नमस्कार दोस्तों, मेजर धन सिंह थापा परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे। इन्हें यह सम्मान सन 1962 में मिला था। मेजर धन सिंह थापा अगस्त 1949 में भारतीय सेना की फर्स्ट एड गोरखा राइफल्स में अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। 19 अक्टूबर 1962 की रात गलवान के पास के इलाके में ठंड, बर्फ और अंधेरे का नजारा था। इसी का फायदा उठाते हुए चीनी फौजियों ने चुपके से भारतीय चौकी पर हमला बोल दिया। करीब 600 से ज्यादा सैनिक सीमा पार से आए थे। उस समय गोरखा राइफल्स के मेजर धन सिंह थापा आगे की चौकियां संभाल रहे थे। चीन की सेना उनकी पोस्ट पर लगातार गोलियों और मोर्टर से हमला कर रही थी। मेजर धन सिंह थापा ने हार नहीं मानी और मशीन गन, हैंड ग्रेनेड और खुखरी से चीनी फौजियों पर हमला करते रहे और कई चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। पहले तो लगा कि मेजर धन सिंह थापा भी बाकी जवानों के साथ शहीद हो चुके हैं, लेकिन बाद में खबर आई कि वे युद्ध बंदी बनाए गए थे। मेजर थापा को नवंबर 1962 के बाद रिहा कर दिया गया था। हालांकि उनकी बहादुरी और युद्ध कुशलता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। इंडियन आर्मी पर ऐसे और वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और जवानों के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद।